नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रथमेश जैन, ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज आपके समक्ष एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। ये टॉपिक है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मैं आपको एंड तक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप कैल्शियम और विटामिन डी के बारे में सारी चीज़ों को समझ सकें। दोस्तों, कैल्शियम जो है वो कैल्स वर्ड से बना है, जिसका अर्थ लैटिन भाषा में होता है चूना। तो कैल्शियम एक ऐसा तत्व है जो चूने में ज़्यादा होता है और ये आपके हड्डियों के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने शरीर की बात करें तो 99% कैल्शियम आपकी हड्डियों में और दांतों में मिलता है और हड्डियों की और दांतों की सेहत के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि आपके शरीर में कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में हो। आप पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम का सेवन करें, पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म हो और पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो। तो ये सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके शरीर का 99% कैल्शियम आपकी हड्डियों में और दांतों में होता है, करीबन 0.9% कैल्शियम जो होता है वो आपकी कोशिकाओं के अंदर होता है और सिर्फ 0.1% जो होता है वो आपके खून में बह रहा होता है। परंतु जो खून का लेवल है वो कांस्टेंट रखता है शरीर। इसका अभिप्राय यह है कि कई सारे मरीज मेरे साथ पूछने आते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने ब्लड में कैल्शियम की जांच कराई है और वो नॉर्मल आई है, तो हमारा कैल्शियम तो ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपके ब्लड में, आपके खून में तो कैल्शियम हमेशा ही पर्याप्त मात्रा में रहेगा। चाहे आपके शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो, विटामिन डी की कमी हो, परंतु आपके ब्लड में कैल्शियम वो है वो एक पर्याप्त मात्रा में ही रहेगा। तो जो खून का कैल्शियम है, ये खून का जो कैल्शियम टेस्ट है वो एक अच्छी जांच नहीं है आपके शरीर के कैल्शियम के स्टेटस को बताने के लिए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि ब्लड कैल्शियम अगर आपका नॉर्मल आ रहा है तो उसे भ्रमित ना हो। अगर ब्लड कैल्शियम नॉर्मल आ रहा है तो भी आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो ही सकती है। अब कैल्शियम और विटामिन डी, ये दो आपस में बहुत जुड़ी हुई चीज़ें हैं। शरीर में कैल्शियम की आवश्यकता होती है, परंतु कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है, जैसे आप कैल्शियम जो खा रहे हैं वो आपके शरीर में पर्याप्त एब्जॉर्ब हो और आपके शरीर में कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में रहे, उसके लिए विटामिन डी बहुत ही आवश्यक है। अब विटामिन डी जो होता है उसको सनलाइट विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी सूरज से बनता है, सूरज की रोशनी से बनता है, और मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि आपके सुबह के टाइम की जो धूप होती है, अगर आप धूप का सेवन करें आधे से एक घंटा, तो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होगी। परंतु दुर्भाग्यवश हम बहुत धूप का सेवन नहीं कर पाते हैं और इसलिए कई पेशेंट्स में हमने देखा है कि विटामिन डी की कमी मिलती है। तो ऐसे मरीजों में हम विटामिन डी जो है वो सप्लीमेंट्स के तौर पर, दवा के रूप में भी देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझनी बहुत ही आवश्यक है कि जो विटामिन डी का जो सिंथेसिस है वो आपकी चमड़ी करती है धूप से। तो जिन लोगों की त्वचा का रंग गहरा होता है या काला होता है, उनमें विटामिन डी की कमी आने की संभावना और अधिक होती है, क्योंकि जो मिलानिन तत्व होता है चमड़ी में वो विटामिन डी बनने से रोकता है। तो गोरे लोगों में विटामिन फिर भी पर्याप्त मात्रा में बन जाता है, पर जिन लोगों का रंग सांवला या काला होता है उनमें विटामिन डी की जो सिंथेसिस है धूप से, जो धूप से विटामिन डी बनता है वो कम होता है। तो जो अगर आपका रंग काला है, रंग सांवला है, तो आपको विटामिन डी की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। अगर विटामिन डी आप धूप से नहीं ले पा रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसको फूड सप्लीमेंट की तरह ले लें। कैल्शियम आपको खाने से मिल सकता है और कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत दूध और दूध से बने पदार्थ हैं। हर तरह के दूध से बने पदार्थ, जैसे पनीर, दही, छाछ,
रसगुल्ले, इस तरह के कोई भी मिल्क प्रोडक्ट जो हैं वो आपको कैल्शियम के अच्छे सोर्स होते हैं और वो आपको लेने चाहिए। अगर हम सब्जियों की बात करें तो पत्ता गोभी, अरबी, धनिया, ये भी कैल्शियम के अच्छे स्रोत होते हैं। अगर हम दालों की बात करें तो दालें कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होती है। दालों में राजमा, रागी और दूसरी दालें भी कैल्शियम रिच फूड की श्रेणी में आती हैं। अगर हम फलों की बात करें तो खजूर, केला और सीताफल, कैल्शियम उनमें काफ़ी पर्याप्त मात्रा में होता है। तो अगर आपको फल लेना है तो खजूर, केला और सीताफल, इस तरह के फल आप ले सकते हैं। मुझसे कई सारे पेशेंट्स ये प्रश्न करते हैं कि डॉक्टर साहब कितनी मात्रा, कितना रिकमेंडेशन है, कितना कैल्शियम हमको लेना चाहिए। तो आम तौर पे जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है आपके शरीर में वो 600 से 800 मिलीग्राम की रहती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप लैक्टेटिंग फीमेल हैं तो आपकी जो नीड्स है कैल्शियम की वो बढ़ जाती हैं। ऐसे केसेस में 1000 से 1500 प्रतिदिन मिलीग्राम भी लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। बच्चों को भी अगर आप ग्रोइंग फेज़ में हैं तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। आमतौर पर एक वयस्क पुरुष में या वयस्क स्त्री में 600 से 800 मिलीग्राम प्रतिदिन का रिक्वायरमेंट, ज़रूरत कैल्शियम की रहती है और इतना कैल्शियम आपको मिलना चाहिए। बेहतर यह है कि आप जो है वो जो है जिस जिन खानों में कैल्शियम ज़्यादा है उस तरह के खाने अधिक लें तो ऊपर से हमको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परंतु अगर आपके खाने में आप कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पा रहे हैं तो मैं डेफिनेटली आपसे निवेदन करूँगा कि जो मैंने आपको अभी कैल्शियम रिच डाइट्स बताई हैं वो डाइट आप ज़रूर लें, जिससे आपके शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी ना हो। यही जो 600 से 800 का आंकड़ा है यही करीबन विटामिन डी का भी रिकमेंडेड डोजेज है। मतलब विटामिन डी का जो रोज का आपका रिक्वायरमेंट है वो 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट्स का रहता है। अभी रीसेंट रिसर्च के अनुसार विटामिन डी का जो महत्व है वो न सिर्फ हड्डियों के लिए है बल्कि आपके शरीर की बाकी सब चीज़ों के लिए, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो, छाती में आपकी तकलीफ़ नहीं हो, उन सब को रोकने के लिए भी हम इन सब वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं विटामिन डी का। तो विटामिन डी अगर उन चीज़ों के लिए हम दे रहे हैं, अगर आपकी विटामिन डी का महत्व बहुत सारी डिजीज़ेस में आया है और अब ये माने जाने लगा है कि 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन का रोज का सेवन करने से आप कई सारे रोगों से मुक्त रह सकते हैं, तो विटामिन डी एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व के रूप में आ गया है और आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक है कि आप विटामिन डी का नियमित रूप से सेवन करें। हमसे कई सारे मरीज़ ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम विटामिन डी का जो अगर सेवन कर रहे हैं तो किस फॉर्म में करें, कौन सा विटामिन डी हमारे लिए श्रेष्ठ है। तो विटामिन डी अगर हम बात कर रहे हैं आपको बाज़ार में तो तीन तरह का अवेलेबल होता है। इस विटामिन डी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इनएक्टिव फॉर्म और एक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म जो होती है वो एक कॉमनली अवेलेबल फॉर्म होती है। अगर आप स्वस्थ हैं, आपको किसी तरह की और कोई बीमारी नहीं है तो आप इनएक्टिव फॉर्म ले सकते हैं, शरीर उसको अपने आप एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। इस फॉर्म का नाम होता है कोलीकैल्सिफेरॉल। ये हम किसी भी नॉर्मल पेशेंट्स में दे सकते हैं जिसमें किडनी और लीवर से संबंधित कोई तकलीफ ना हो। इस विटामिन डी सप्लीमेंट का फ़ायदा ये होता है कि एक, ये काफ़ी सस्ता होता है, दूसरा इसमें टॉक्सिसिटी मतलब रिएक्शन होने का रिस्क कम रहता है, ओवरडोज होने का रिस्क कम रहता है। तो ये एक बहुत ही सेफ दवाई है, इसको आप अनुकूल मात्रा में दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 1000 इंटरनेशनल यूनिट प्रतिदिन का सेवन विटामिन डी का आप कर सकते हैं। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी है तो विटामिन डी की पल्स डोजेज जिसको 60,000 इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं वो भी आप वीकली बेसिस पे मतलब हफ्ते में एक बार दे सकते हैं। तो ये जो तत्व है कोलीकैल्सिफेरॉल, ये आमतौर पे हमारा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है विटामिन डी डेफिशिएंसी या विटामिन डी सप्लीमेंटेशन के लिए। मतलब अगर आपको विटामिन डी की कमी है या आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं तो कोलीकैल्सिफेरॉल जो है वो आपके लिए
सबसे अच्छा सप्लीमेंट है। दूसरा फायदा कोलीकल्सिफेरॉल का ये होता है कि हमें कोलीकल्सिफेरॉल को मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये अगर आप ले रहे हैं तो शरीर में बहुत नुकसान नहीं करता, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, और आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी का जो लेवल है उसको एक स्तर पे मेंटेन करके रखेगा। जो एक्टिव फॉर्म्स होते हैं विटामिन डी के, उसमें दो फॉर्म प्रमुख हैं। पहला अल्फा कैल्सीडायोल, जो हम आमतौर पे लीवर पेशेंट्स में रिकमेंड करते हैं, और कैल्सीट्रायोल, जो हम आमतौर पे किडनी संबंधित जिनको तकलीफ होती है उन मरीजों में रिकमेंड करते हैं। इन दोनों की डोज आमतौर पे 0.25 माइक्रोग्राम्स की रहती है। ये थोड़े से कॉस्टली विटामिन डी के स्रोत होते हैं और ये हम आइडियली उन्हीं लोगों में रिकमेंड करते हैं जिनको, जैसा मैंने आपको बताया, कि लीवर की या तो फिर किडनी की तकलीफ हो। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम, जैसे मैंने आपको कहा कि न सिर्फ हड्डी और दांतों को बनाने वाला प्रमुख तत्व होता है, परंतु कैल्शियम आपके शरीर की बाकी प्रक्रियाओं में भी बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, जैसे आपके बीपी को कंट्रोल रखने में, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने में। कोलेस्ट्रॉल के दो तरह के तत्व होते हैं, एक एलडीएल और एक एचडीएल। एलडीएल जो होता है वो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है और उसकी मात्रा कैल्शियम कम करता है, और एचडीएल जो होता है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसकी मात्रा कैल्शियम बढ़ाता है। साथ ही साथ कैल्शियम अगर आप उचित मात्रा में लेते हैं तो ये कोलोन कैंसर जैसी बीमारियों का रिस्क भी कम करता है। एक चीज़ आप ध्यान रखें कि कैल्शियम जो है आपको हार्ट की तकलीफ से बचाता है, और एक बहुत ही कॉमन मिथ्स जो हमारे दिमाग में रहता है कि अधिक कैल्शियम लेने से हमको किडनी में स्टोन हो सकते हैं, ये भी एक बहुत सही चीज़ नहीं है। कैल्शियम की टैबलेट लेने से किडनी स्टोन होने का चांस ऑलमोस्ट नहीं के बराबर रहता है। उसका कारण ये होता है कि जो किडनी का स्टोन होता है वो ऑक्सेलेट नाम के तत्व से बना होता है, और कैल्शियम आपके जो ब्लड का ऑक्सेलेट पूल होता है उसको एक्चुअली कम करने में रोल अदा करता है। तो हालांकि आपके स्टोन कैल्शियम ऑक्सेलेट के बने होते हैं, परंतु ऑक्सेलेट लेवल्स जो होते हैं, अगर आप कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में लेंगे तो वो कम होंगे, और इसीलिए आमतौर पर कैल्शियम एक सेफ तत्व है। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेने से आमतौर पर किडनी स्टोन्स नहीं होते। फिर भी अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैल्शियम सप्लीमेंटेशन के बारे में। ये एक बहुत ही आम प्रश्न है जो हमसे काफ़ी सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हम कौन सा कैल्शियम लें। बाज़ार में कई सारे के तरह के कैल्शियम सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, कुछ सस्ते होते हैं, कुछ महंगे होते हैं, और अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं। तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है जो हमसे मरीज पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, कौन सी वैरायटी का हम कैल्शियम लें। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कैल्शियम आमतौर पे दो प्रमुख तरह के होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होता है, एक कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा कैल्शियम साइट्रेट। अधिकतर आमतौर पर कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा अवेलेबल है। मैं आपको कुछ सेलियंट फीचर्स, कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो दोनों के बारे में बताऊंगा। कैल्शियम कार्बोनेट आमतौर पे एक सस्ता कैल्शियम है जो मार्केट में अवेलेबल होता है, परंतु कुछ पेशेंट्स में, जो करीबन 4-5% मरीज हो सकते हैं, उनको ये टॉलरेट ना हो, ऐसा हो सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि ये लेने से किसी किसी पेशेंट को पेट में दर्द, पेट भारी लगना, ये लैटरिन आने में तकलीफ हो सकती है। तो ये जो कैल्शियम है कि किसी किसी मरीज को सूट ना हो और इससे पेट की तकलीफ हो, ऐसा कुछ मरीजों में हो सकता है। एक चीज़ आप ध्यान रखें कि एक एलिमेंटल कैल्शियम नाम की चीज़ होती है। एलिमेंटल कैल्शियम का अभिप्राय ये होता है कि अगर आपने 1000 मिलीग्राम कैल्शियम लिया है या 100 मिलीग्राम कैल्शियम लिया है, तो उसमें से कितना कैल्शियम जो है वो आप जो तत्व है उसमें से कितना परसेंट कैल्शियम बनाता है। तो अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हैं तो ये करीबन 40% होता है। इसका मतलब अगर आप 1000 mg की टैबलेट ले रहे हैं तो करीबन 400 mg उसमें कैल्शियम है, अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट का सेवन कर रहे हैं। और यही चीज़ अगर आप कैल्शियम सिट्रेट 1000 mg ले रहे हैं तो करीबन 210 mg आपको कैल्शियम मिलता है। मतलब जो कैल्शियम अवेलेबिलिटी है, ये एलिमेंटल कैल्शियम है, वो कैल्शियम सिट्रेट में कैल्शियम कार्बोनेट की तुलना में आमतौर पर कम रहता है। परंतु
कैल्शियम सिट्रेट का फ़ायदा ये है कि ये आपके पेट के लिए ज़्यादा जो है वो टॉलरेबल होता है, मतलब कैल्शियम सिट्रेट लेने से पेट की तकलीफ, पेट में भारीपन या पेट में मरोड़ आना या लैट्रिन में आने की तकलीफ जो होती है वो नहीं रहती है। तो एक ज़्यादा सेफर और ज़्यादा टॉलरेबल विटामिन जो कैल्शियम होता है वो कैल्शियम सिट्रेट होता है। अगर आपको हम कैल्शियम कार्बोनेट देते हैं तो हम आमतौर पर आपको रिकमेंड करते हैं कि आप इसको खाने के साथ लें, क्योंकि इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आपके शरीर के एसिड जो होता है, पेट का जो एसिड होता है उस पर डिपेंड करता है। जबकि अगर आप कैल्शियम सिट्रेट ले रहे हैं तो ये आप किसी भी समय दिन में ले सकते हैं, उसको खाने के साथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप कोई भी ऐसा तत्व या ऐसी दवाई ले रहे हैं जिससे आपके पेट में एसिड कम होता है, एंटासिड ड्रग जिसको PPI, पेंटोप्रोजोल या ओमिप्रोजोल बोलते हैं, तो उन सब मरीज़ों में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम कार्बोनेट स्पेसिफिक का ऑपरेशन एब्जॉर्प्शन मतलब उसका जो शरीर ले रहा है वो कम हो जाता है। तो अगर आपको एसिडिटी की तकलीफ़ है और अगर आप एसिडिटी की दवाई ले रहे हैं या आपकी उम्र ज़्यादा है और अगर आप को एक क्लोरोहाइड्रेट की तकलीफ़ है तो ऐसे मरीज़ों में बेहतर है कि हम कैल्शियम सिट्रेट लें। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि यूजुअली जो किडनी के स्टोन होते हैं वो कैल्शियम के कारण नहीं होते हैं, परंतु फिर भी अगर आपको एक्स्ट्रा सेफ रहना है तो कैल्शियम कार्बोनेट की जगह आप कैल्शियम सिट्रेट सॉल्ट की तरफ जा सकते हैं, जिससे कैल्शियम जिससे रीनल स्टोन होने का खतरा, मतलब किडनी का स्टोन होने का खतरा ना के बराबर होता है। कई मरीज़ों ने हमसे सवाल पूछा है कि डॉक्टर साहब ये कोरल कैल्शियम कैसा कैल्शियम होता है और क्या इसका सेवन करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरल कैल्शियम जो होता है एक थोड़ा कॉस्टली कैल्शियम होता है, ये एक रेगुलर कैल्शियम कार्बोनेट वाला ही कैल्शियम होता है। तो जो मैंने आपको कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में चीज़ें बताई वो सब इसके लिए लागू होती हैं। अगर आपको कॉस्ट का कंस्ट्रेंट नहीं है, अगर आपको पैसे का इशू नहीं है तो आप कोरल कैल्शियम का सेवन कर सकते हैं, परंतु अगर आपको पैसे का इशू है तो मैंने जैसे बताया आपको कि कोरल कैल्शियम की जगह आप किसी और कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट का भी सेवन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। आशा है कि मैं कैल्शियम और विटामिन डी से संबंधित आपके सभी प्रश्नों का समाधान करने में सक्षम होऊंगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई तकलीफ है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख के भेज सकते हैं। मैं सब लोगों से निवेदन करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।